डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000. ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, द लास्ट डिजिट वंस डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड इज द रिमाइंडर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द डिवाइडेंड इज द कोशेंट. 635 डिवाइडेड बाय 10. सो हमने जो अभी देखा कि डिवाइडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, सो हम अगर किसी चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं 10 से, द लास्ट डिजिट्स वंस ऑफ द, सो किसी लास्ट डिजिट का वंस जो होता है इनविडेंट इज द रिमाइंडर, सो वो रिमाइंडर है. एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द डिविडेंट इज द कोशेंट. 635 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसका ये हो जाएगा कि जो उसका लास्ट डिजिट होगा ना वो रिमाइंडर बचेगा. जैसे 635 में रिमाइंडर क्या है, इट्स 5. ओके, सो जो 10 डिजिट से जैसे 635 का डिवाइड कर रहे हैं, सो जो लास्ट डिजिट होगा वो रिमाइंडर होगा. अगर 35 की जगह 0 होता ना, 630 होता, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता. बट यहाँ पे नंबर है 5 है, सो 5 रिमाइंडर बचेगा इसमें. ओके, ये एक ट्रिक है, आप इसको समझ सकते हैं. 5 रिमाइंडर बचेगा आप इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो. एंड कोशेंट 63 रहेगा, जैसे इसके स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो हैं 63 हैं, ये इसका रिजल्ट होगा. ओके, सो 63 कोशेंट होगा और जो 5 जो लास्ट थर्ड डिजिट है ये होगा रिमाइंडर. सिमिलरली 3546 डिवाइडेड बाई 10, तो 6 इसमें रिमाइंडर रहेगा और 354 कोशेंट रहेगा. अंडरस्टूड? बी, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द डिविडेंड इज रिमाइंडर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड इज द कोशेंट. सो वी कैन से दैट इफ यू डिवाइड एनी नंबर विद 100, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, ओके, एंड डिविडर इज रिमाइंडर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड इज द कोशेंट. ओके, सो एग्जाम्पल 9438 डिवाइडेड बाय 100, सो हियर कोशेंट इज 94. सो अगर हम इसका 100 का डिवाइड करते हैं 9438 से, सो 9400 में कितने 100 हैं, देर इज 9400 ना, टोटल 9400 हैं 9438 में, और 38 तो 10 से ही हुए, वो तो 100 से कम है ना, सो 38 रिमाइंडर हो गया आपका. अंडरस्टूड? 9400 में अगर हम देखें कितने 100 छुपे हुए हैं, सो इसमें 9400 है टोटल और 38 बच गए. 38 क्या है, 110, सो 38, सो 38 तो लेस देन 100 ना, सो वी कैन से दैट हियर द कोशेंट इज 94 एंड रिमाइंडर इज 38. ओके, सिमिलरली 19,595 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 19,595 में कितने 100 होंगे, 19,500. सो हाँ, तो 95 तो लेस देन 100 है, सो हम कह सकते हैं 19,595 में 19,500 100 है, नहीं इसमें 19,500 हो सकते हैं. ओके, सो 19,500 आर इन 19,595 एंड सो इट इज कोशेंट ना, एंड रिमाइंडर इज 95. लास्ट 2 डिजिट जो है ये रिमाइंडर बचेगा बिकॉज दे आर लेस देन 100. ओके, तो ये तो बचने ही है, ये तो डिवाइड नहीं हो सकते, वी कैन सी दैट, है ना. 95 तो 100 से कम है, तो ये तो बच जाएगा, ये तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा, सो वी कैन से दैट कोशेंट इज 195 एंड रिमाइंडर इज 95. सी, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1000, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज रिमाइंडर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड इज द कोशेंट. सो अगर हम कोई नंबर 1000 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर फॉर्म द लास्ट 3 डिजिट्स, सो जो इसके लास्ट 3 डिजिट्स होंगे ना वो हो सकते हैं रिमाइंडर भी हो सकते हैं. इस तरीके से जैसे ये एक रोड एक वो दिया है, अगर 1000 से ही कर रहे हैं, सो 1000 तो 1000 से जाएगा. जैसे 4567 है, तो इसमें कितने 1000 हैं, ओनली 4000 है बिकॉज 4000 है ना, तो कितने 1000 है इन 4567, यस देयर इज ओनली 4000. और जो 567 बच रहे हैं ये तो 1000 से कम है, 567 1000 से कम है, सो वी कैन से दैट हियर कोशेंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 567. सिमिलरली 85,329 डिवाइडेड बाय 1000,
क्वेश्चन इज 85 एंड रिमाइंडर इज 329. ओके, सो अगर हम 85,329 का डिवाइड 1000 में करते हैं तो कितने हैं 85,000 में, कितने 1000 हैं, 85,000, और 85 में 1000 कितने हैं, 85, और लास्ट की जो थ्री डिजिट बच रहे हैं ना 329, ये तो लेस देन है, ये तो कम है 1000 से, सो 329 रिमाइंडर बचेगा. ओके, सो क्वेश्चन इज 85 एंड रिमाइंडर इज 329. अंडरस्टूड?